हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर थ्री एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद द ऑफ फ्लेक्सिबल बजट वी हैव सोल्ड अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड लास्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें कैपेसिटी वाले क्वेश्चन थे मतलब उसमें सिर्फ आपको अमाउंट दिया गया रहता था क्वेश्चन में अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको अमाउंट के साथ यूनिट दिया रहेगा मतलब कैपेसिटी के साथ आपको पर यूनिट भी दिया रहेगा तो उस बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे उसमें से कुछ नई चीजें सीखेंगे कि जो जो आपको के ध्यान में रखनी है क्वेश्चन बजट फॉर फिफ्टी परसेंट एंड नाइनटी परसेंट कैपेसिटी तो फिफ्टी और नाइनटी परसेंट कैपेसिटी आपको बजट बनाना है ये पहला पॉइंट इसमें से क्लियर हुआ कितने परसेंट कैपेसिटी का इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन लेट अस रीड दैट अ फैक्ट्री इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स इन वर्किंग कैपेसिटी ऑफ फोर्टी परसेंट इसका मतलब 40 का इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है एंड वी नीड टू प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट एंड नाइन्टी फाइव का इन्फॉर्मेशन हमको कैलकुलेट करना है मतलब ये दो कैपेसिटीज के हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे कुछ बोला है फोर्टी परसेंट कैपेसिटी से दे आर प्रोड्यूसिंग टेन थाउजेंड पर मंथ मटीरियल का रेट देखो लेबर सिक्स है और ओवरहेड्स टेन है सिक्सटी परसेंट फिक्स बोला है अगर सिक्सटी परसेंट फिक्स होगा फोर्टी परसेंट क्या होगा रिमेनिंग फोर्टी परसेंट वेरिएबल द सेलिंग प्राइस इज रूपीज फोर्टी इफ इट इज डिसाइडेड टू वर्क द फैक्ट्री एट 50%, 50 मतलब कैपेसिटी, तो सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय कम होगी और अगर कैपेसिटी तक 90 जो है वो फाइव परसेंट कम होगी लेकिन उसी के साथ साथ मटेरियल्स की प्राइस भी सिमिलर परसेंटेज से कम होगी बाय सिमिलर फॉल इन द प्राइस ऑफ मटीरियल थोड़ा सा प्रॉब्लम ध्यान से समझना बस वर्डिंग्स अगर समझ में आए तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते क्या कहा है इन्होंने सेलिंग प्राइस फोर्टी रुपीज था रुपीज का कम हो जाएगा अगर आपकी कैपेसिटी फिफ्टी परसेंट हो जाएगी लेकिन कितने परसेंट से कम होगा सेलिंग प्राइस थ्री परसेंट और अगर आपकी कैपेसिटी नाइनटी परसेंट हो जाएगी तो आपका जो प्राइस है वो फाइव परसेंट से कम होगा लेकिन सेलिंग प्राइस तो कम होने ही वाला है तो साथ साथ आपका जो है उसके साथ साथ क्या कम्प्लीट कम होने वाला है उसके साथ साथ आपका मटीरियल जो है वो भी कम होने लग जाएगा अकॉर्डिंगली दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट चलो ध्यान से सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को प्रेजेंट कर लेते हैं फॉर्मेट में ये वर्किंग नोट्स के लिए मैंने जगह रखा है तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ फ्लेक्सिबल इन द बुक्स ऑफ डैश फ्लेक्सिबल बजट बी परसेंट कैपेसिटी सबसे पहली चीज हमने कॉलम देखो किस तरीके से प्रिपेयर किए देखो फोर्टी परसेंट के अंदर आपको दो कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं एक अमाउंट का और एक सी का विच इज कॉल्ड कॉस्ट पर यूनिट 50% में भी आपको दो कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं एक अमाउंट का एक सीपी का और 90% में भी आपको दो कॉलम प्रिपेयर करने हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे हम लेबर का मटेरियल का देखेंगे मटेरियल कितना है हमारा मटेरियल का रेट है ट्वेंटी रुपीज ठीक है मटेरियल का रेट कितना है इट्स ट्वेंटी रुपीज तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मटीरियल के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीपी के कॉलम में ट्वेंटी कितने यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है टेन थाउजेंड यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रहा है ठीक है फोर्टी परसेंट के लिए टेन थाउजेंड आपको दिया था टेन थाउजेंड बकेट्स अगर फोर्टी परसेंट के लिए अगर हम टेन थाउजेंड बकेट्स बनाते हैं तो फिफ्टी परसेंट के लिए हम कितने बकेट्स बनाएंगे ठीक है सबसे सिंपल है फोर्टी परसेंट के लिए टेन थाउजेंड बकेट्स बना रहे हैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि सिंपल लगे फोर्टी परसेंट अगर हम टेन थाउजेंड बकेट्स तो फिफ्टी परसेंट के हाउ मच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स और सिमिलरली आप नाइन्टी परसेंट के लिए भी कैलकुलेट करोगे नाइन्टी परसेंट के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन और जब तक ये पॉइंट नहीं आएगा आगे के कैलकुलेशन अब ये ट्वेंटी आपको क्वेश्चन में दिया था दैट वाज द मटेरियल पर यूनिट ट्वेंटी वाज गिवन टू यू डायरेक्टली ट्वेंटी को क्वेश्चन दिया है अभी हमें क्या करना है ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करना है टेन थाउजेंड से कॉस्ट शीट आपने कर लिया होगा सिमिलर वे ट्वेंटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा टू लैक्स क्या कहा था मटीरियल जो है का रेट तो रहेगा वो कम हो जाएगा थ्री परसेंट से तो ट्वेंटी को माइनस करना है आपको थ्री परसेंट ठीक है ट्वेंटी को माइनस करना है थ्री परसेंट यहाँ पे लिखता हूँ मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा नाइनटीन पॉइंट फोर कैसे आया नाइनटीन पॉइंट फोर पहले था थ्री परसेंट से रेड्यूज होगा नाइनटीन पॉइंट फोर आया नाइनटीन पॉइंट फोर को आपको मल्टीप्लाई करना है बारह हजार पाँच सौ के साथ यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी डैट विल बी बैक फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वेरी इजी टू कैलकुलेट फिर उन्होंने बाद में क्या कहा था कि फाइव परसेंट से फॉल होगा फाइव परसेंट से रेड्यूज होगा ठीक है फाइव परसेंट से कैपेसिटी रेड्यूज हो जाएगी सिमिलरली आपका मटेरियल्स भी कम हो रहा है ट्वेंटी माइनस फाइव परसेंट तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको नाइनटीन मिलेगा नाइनटीन को आपको मल्टीप्लाई करना है अभी ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड के साथ यहाँ पे आपको अमाउंट मिलेगी दैट विल बी फोर लैक ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू ऑल ऑफ यू वेरी सिंपल हैव डन लेने के बाद सीपी यू रेड्यूस हुआ है मटेरियल रेड्यूस हुआ है सेलिंग प्राइस भी उतने से ही रेड्यूज हो रहा है और सिमिलरली मटेरियल्स भी उतने से ही रेड्यूज हो रहा है ऐसा हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया था ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी लेबर के बारे में पढ़ते हैं लेबर इज रुपी सिक्स लेबर के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं है कि कम होगा या ज़्यादा होगा तो हम सिक्स का पर यूनिट सेम रखेंगे तो चलो अभी लेबर को प्रेजेंट कर लेते हैं लेबर पहले हम लिखेंगे तो लेबर यहाँ पे लिखता हूँ पहले सिक्स सिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपको टेन थाउजेंड से टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सिक्स थाउजेंड अब रिमेंबर वेरिएबल जो है वो हमेशा पर यूनिट में सेम रहता है यहाँ पे भी सिक्स यहाँ पे भी

ड्स है रूपीस टेन उसमें से सिक्सटी परसेंट फिक्स है तो पहले वो चीज कर लेते हैं बाकी बाद में कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड्स कितना दिया है ओवरहेड्स हमको दिया है रूपीज टेन और ये रूपीज टेन में से सिक्सटी परसेंट फिक्स है ठीक है तो सिक्सटी परसेंट टेन का सिक्सटी परसेंट पहले देखेंगे टेन का सिक्सटी परसेंट कितना आता है तो दैट विल बी फिक्स आएगा और रिमेनिंग फोर आपका वेरिएबल रहेगा ये ध्यान से समझना सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन थाउजेंड इजटी थाउजेंड और फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन थाउजेंड इज फोर्टी थाउजेंड ठीक है आपको इतना सिंपल कैलकुलेशन है ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अभी जो हमारा फिक्स है ध्यान रखना अभी जो हमारा फिक्स है फिक्स विल बी ऑलवेज फिक्स इन अमाउंट मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी सिखाया था कि फिक्स हमेशा अमाउंट में फिक्स रहता है अब आपको क्या करना है सिक्सटी थाउजेंड को ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड से डिवाइड करना है तो आपको पर यूनिट मिलेगा फोर पॉइंट एट आई रिपीट सिक्सटी थाउजेंड को ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड से डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा फोर पॉइंट एट सिमिलरली सिक्सटी थाउजेंड को यहाँ पे ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड से डिवाइड करना है यहाँ पे आपको पर यूनिट मिलेगा टू पॉइंट सिक्स आता है तो सिक्स सेवन तो वेरिएबल है वेरिएबल अमाउंट में सेम नहीं रहता वेरिएबल पर यूनिट में सेम रहता है यहाँ पे भी फोर लिखेंगे यहाँ पे भी फोर लिखेंगे और फोर फोर को मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स के साथ ये फोर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विलउजेंड इन कैपेसिटी एंड फोर मल्टीप्लाइड तो दैट विली था कॉलम अभी आपको क्या करना है अभी आपको ऐड करना है ये सभी चीज़ों को ऐड करेंगे हम टू लैख प्लस सिक्सटी थाउजेंड इस लैख सिक्सटी और ये वन लैख यहाँ पे आपको आ जाएगा सीधा आंसर थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड को अगर हम टेन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट मिलेगा एंड पर यूनिट विल बी थर्टी सिक्स ठीक है फिर इसको प्लस करना है ध्यान से तो यहाँ पे जो सेकेंड कैपेसिटी का कॉलम है यहाँ पे हमको आंसर मिलता है फोर लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर लैख ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड को आपको डिवाइड करना है उसके यूनिट्स के साथ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पे उसका पर यूनिट मिलेगा थर्टी फोर पॉइंट टू फिर सिमिलरली आपको थर्ड को भी टोटल करना है फिर थर्ड जो नाइन्टी परसेंट कैपेसिटी है उसका टोटल आएगा सेवन लैक्स ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइड करना है उसके यूनिट्स के साथ दैट इज ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड तो यहाँ पे आपको इसका पर यूनिट मिलेगा दैट द पॉइंट वी हैव कैलकुलेटेड फर्दर आगे बढ़ते हैं अभी तो एक बार टोटल कॉस्ट फिर से लिख लेंगे टोटल कॉस्ट हमें अभी आंसर मिला था तो कितना था कौस्ट? टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट वॉज फर्स्ट का आया था थ्री लैख सिक्स थाउजेंड का पर यूनिट कितना मिला था दैट वॉज थर्टी सिक्स फिर सेकेंड का हमें कितना मिला था सेकेंड का हमें मिला फोर लैख ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड इसको इधर लिख लेंगे सेकेंड में दैट वॉज फोर लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का सी पी यू कितना मिला था वो भी लिख लेंगे थर्टी फोर पॉइंट टू और फिर सेवन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी फोर पॉइंट टू फिर इसका था सेवन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सीपीयू कितना था दॉ थर्टी वन पॉइंट सिक्स था ठीक है, अभी ध्यान से कैलकुलेट करना है Profit का calculation है. ध्यान ध्यान से से के लिए हमारे पास जरा क्वेश्चन देख लेते एक बार. देखो यहां पे दिया है द सेलिंग प्राइस इज रूपीज फोर्टी कितना है, है. सेलिंग प्राइस करना है पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन सीख लेंगे फिर देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है सेलिंग प्राइस इज रुपीज फोर्टी तो यहाँ पे मैंने फोर्टी लिख अभी आपको मल्टीप्लाई करना हैल्टीप्लाइड बाय योर यूनिट्स कितना था फर्स्ट का यूनिट था हमारा टेन थाउजेंड फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई टेन थाउजेंड फोर लैक्स इज योर आंसर फिर इस फोर लैक्स में से अगर आप ये थ्री लैक्स सिक्सटी को माइनस करोगे तो विल गेट द डिफरेंस एंड द डिफरेंस कॉल्ड एज प्रॉफिट क्या आपको प्रॉफिट मिल गया वो थर्टी सिक्स और फोर्टी का डिफरेंस वो आपको मिल जाएगा दैट इज फोर क्या आपका कैलकुलेशन आ चुका है अब काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ध्यान से थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ देखो सेलिंग प्राइस थ्री परसेंट से कम होने वाला है और सेलिंग प्राइस फाइव परसेंट से कम होने वाला है नाइन्टी परसेंट की कैपेसिटी में यू वि सॉल्विंग ओवर हियर सेलिंग प्राइस हमारी फोर्टी परसेंट कैपेसिटी में सेलिंग प्राइस कितनी कैपेसिटी में हमारी सेलिंग प्राइस थी रुपीज फोर्टी ठीक है फिर फिफ्टी परसेंट की कैपेसिटी में कितनी होगी हमारी सेलिंग प्राइस फिफ्टी परसेंट की कैपेसिटी में सेलिंग प्राइस क्या हो रही है सेलिंग प्राइस कम होने वाली है तो फोर्टी माइनस थ्री परसेंट फोर्टी माइनस थ्री परसेंट आपको करना है दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस रिड्यूस फोर्टी माइनस थ्री परसेंट तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी थर्टी एट पॉइंट एट आ जाएगी फिर आपका जो नाइन्टी परसेंट कैपेसिटी है सेलिंग प्राइस कम होने वाली है फाइव परसेंट से यहाँ पे आएगा फोर्टी माइनस फाइव परसेंट फोर्टी माइनस फाइव परसेंट आपको करना है फोर्टी माइनस फाइव परसेंट तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी थर्टी एट हो जाएगी तो ये अभी हमको सेलिंग प्राइस ध्यान रखनी है 38.8 और 38 फिर इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई फिफ्टी परसेंट की सेलिंग प्राइस कितनी हुई 38.8 एट पॉइंट एट यहाँ पे कितने यूनिट्स थे यहाँ पे 12,500 थे यहाँ पे 20,500 यूनिट्स थे तो 38.8 को मल्टीप्लाई करना आपको 38.8 एट पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई टेंड फाइव हंड्रेड द सेल्स तो यहाँ पे हमको सेल्स मिलेगा दैट इज फोर लैक्स एटी फाइव थाउजेंड इस फोर लैक एटी फाइव थाउजेंड में से आपको माइनस करना है फोर लैक ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यूल गेट द डिफरेंस एंड द डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड को बारह हजार पाँच सौ से डिवाइड करो तो आपको उसका पर यूनिट मिल जाएगा पर यूनिट विल बी फोर पॉइंट सिक्स सिमिलरली नाइन्टी परसेंट में हमको सेलिंग प्राइस कितना मिला था थर्टी एट मिला था तो थर्टी एट को अभी मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड उसके यूनिट्स है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एट लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड और सिमिलर कैलकुलेशन एट लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड में से अगर आप सेवन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड को माइनस करोगे तो यूल गेट द डिफरेंस एंड दैट विल बी योर प्रॉफिट वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड देन वन लैक फोर्टी टू फाइव हंड्रेड को अगर आप ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड से डिवाइड करोगे तो आपको उसका पर यूनिट भी मिल जाएगा एंड द पर यूनिट विल बी सिक्स पॉइंट थ्री थ्री तो दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी सिंपल कैलकुलेशन पर यूनिट के साथ भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अब इसी तरीके के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है जो बार बार आपको पूछे जाते हैं ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना हो दैट वॉज द क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर